हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम की आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 8 मई 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पिछले 6 महीने की करंट अफेयर की पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं जिसमें टोटल 300 क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन नवंबर 2018 से लेकर 30 अप्रैल 2019 तक के होंगे इसमें, और ये सभी क्वेश्चन हिंदी भाषा में हैं और एमसीक्यू फॉर्मेट हैं। अगर आप ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं 300 क्वेश्चन, इसके बाद आप कोई भी एग्जाम देने जाएँ, चाहे रेलवे हो, इंश्योरेंस हो, बैंक हो, एसएससी हो या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, 90-95% जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे इसी पीडीएफ में से आएंगे। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को खरीद चुके हैं या खरीदने के बाद कोई समस्या आता, आपका पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा, तो आप हमको इस व्हाट्सएप नंबर पे या फिर इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और जो अप्रैल महीने का पार्ट टू है वो आज शाम को 4 बजे आएगा, उसको जरूर देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वैश्विक वित्तीय कंपनी ने भारत में $1 बिलियन के निवेश की घोषणा की है? तो ये ऐसा कहा है मास्टर कार्ड कंपनी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, मास्टर कार्ड जो कंपनी है ये अमेरिका की एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। आप सभी लोग यूज करते होंगे डेबिट कार्ड, एटीएम या फिर क्रेडिट कार्ड, तो उस पर लिखा होता होगा या तो मास्टर कार्ड या फिर वीज़ा या फिर रुपए। तो वही जो मास्टर कार्ड है ये अमेरिका की फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। और यहाँ से एक जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है आपको याद रखना, मास्टर कार्ड के जो सीईओ हैं उनका नाम है अजय पाल सिंह बंगा, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में। और जो दूसरी कंपनी है वीज़ा भी अमेरिका की फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में। और तीसरा जो आप डेबिट कार्ड यूज करते होंगे वो है रुपे एक भारतीय डेबिट कार्ड है, और इसको बनाया है NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि RBI की एक सब्सिडरी कंपनी है। रुपे जो है भारत के साथ साथ सिंगापुर और भूटान दो अन्य देशों में भी चलता है। तो अब आपको पता हो गया होगा कि रुपे और वीज़ा और मास्टर कार्ड में क्या अंतर, इसमें कोई नहीं अंतर, बस कंपनियों का अंतर है। मास्टर कार्ड दूसरी कंपनी है, वीज़ा कार्ड दूसरी कंपनी है, रुपए दूसरी कंपनी, और ये जो सर्विस देती हैं सेम है, बस कंपनियों का अंतर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी भारत में मास्टर कार्ड, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व अस्थमा दिवस जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अस्थमा एक प्रकार की बीमारी है जिसमें सांस लेने में समस्या हो जाती है, और इस साल का जो थीम था अस्थमा दिवस का वो था स्टॉप फॉर अस्थमा। अस्थमा को हिंदी में बोला जाता है दमा की बीमारी। इसके अलावा अभी तक मई महीने में 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया गया, और 1 ही मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया, ट्यूना एक प्रकार की मछली का नाम है, और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 5 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया। तो ये अभी तक इतने दिवस मनाए गए हैं मई में, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में IBSA शेरपा की बैठक किस शहर में संपन्न हुई है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए IBSA क्या है। तो IBSA में 3 देश आते हैं, एक प्रकार का फोरम है, I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राज़ील, SA फॉर साउथ अफ्रीका। तो इंडिया, भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका का इन तीन देशों का एक फोरम है जिसको बोला जाता है IBSA, और शेरपा का मतलब होता है उस देश का हेड, उस चीज़ को लीड करने वाला। तो IBSA शेरपा की जो बैठक संपन्न हुई वो हुई भारत के शहर कोच्ची में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और इसमें जो भारत की तरफ से डेलीगेट कर रहे थे वो थे विदेश मंत्रालय के इकोनॉमिक्स रिलेशन के सेक्रेटरी मिस्टर TS 3 मूर्ति। तो ये क्वेश्चन इतना नहीं इम्पॉर्टेंट, बस आपको यहाँ से ये याद रखना है कि IBSA शेरपा की बैठक किस शहर में संपन्न हुई, तो ये हुई कोच्ची शहर में। कोच्ची जो है केरल राज्य में पड़ता है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, कोच्ची का जो एयरपोर्ट है वो दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है जो कि 100% सोलर पावर से चल रहा है, इसीलिए 2018 में कोच्ची एयरपोर्ट को
चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था और व्यक्तियों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था। अब हम देख लेते हैं केरल राज्य से जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, पहला पेरियार नेशनल पार्क, दूसरा पंपाडम सोला नेशनल पार्क, तीसरा मैथिकेट्टन सोला नेशनल पार्क, चौथा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पाँचवा चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इतने नेशनल पार्क हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सभी केरला राज्य के हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 18 वर्षीय लड़की जिसका नाम है वंदना ने लगातार 126 घंटे तक नृत्य करके लॉन्गेस्ट डांसिंग मैराथन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये आपको बताना है वंदना नाम की ये जो लड़की है किस देश से है, तो ये है नेपाल की। इन्होंने 126 घंटे लगातार डांस किया है और ये ऐसा करने वाली पूरी दुनिया की एक मात्र लड़की बन गई हैं। इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपको याद रखना, पहला नाम वंदना, दूसरा देश नेपाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, ये है नेपाल की वंदना जिन्होंने लगातार 126 घंटे तक डांस किया है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है खड्गा प्रसाद ओली, नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी और नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और नेपाल से दो क्वेश्चन आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन, नेपाल ने अभी अभी अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है नेपाली सेट 1 और इसको लॉन्च किया गया है अमेरिका से। दूसरा क्वेश्चन, एबीयू मीडिया समिट भी जो कि क्लाइमेट एक्सचेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट पे हुई थी, ये भी हुई थी नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के नायक लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब को सम्मानित किया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बांग्लादेश है ये पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और ये पाकिस्तान का भाग था। 1971 में इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में बांग्लादेश का जो देश है ये ईस्ट पाकिस्तान से अलग होकर नया देश बना जिसका नाम है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बनने में जनरल JFR जैकब जो कि भारत के थे इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने ही 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को सरेंडर करवाया था, इसीलिए इनसे प्रेरित होकर जो इजराइल देश है इन्होंने इसने सम्मान दिया है जनरल JFR जैकब को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम नायक लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब को जो कि 1971 में बांग्लादेश के लिबरेशन वार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इनको सम्मानित किया है इजराइल देश ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, ये उस समय की तस्वीर है जब जनरल JFR जैकब ने पाकिस्तान को ढाका में सरेंडर करवाया था। और एक इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनकी पुस्तक का नाम है सरेंडर एट ढाका बर्थ ऑफ नेशन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए JFR जैकब की पुस्तक का क्या नाम है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सरेंडर एट ढाका बर्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है, तो उत्तर होगा जनरल JFR जैकब। इसके अलावा बांग्लादेश जो देश है इसकी राजधानी है ढाका और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, यहाँ की मुद्रा है टका। अगला क्वेश्चन, जो इजराइल देश है इजराइल देश की राजधानी है जेरूसलम, यहाँ की मुद्रा है इजरायली न्यूसकेल और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल पूरी दुनिया का एकमात्र देश है जो कि यहूदी देश है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पूरी दुनिया में एकमात्र देश जो यहूदी है ज्यूइश देश है, उत्तर होगा इजराइल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे VK कृष्णा मेनन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन, ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो VK कृष्णा मेनन जो है पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और ये दिया गया है साउथ अफ्रीका के भारतीय मूल के पत्रकार GD रॉबर्ट गोवेदर को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय वॉलीबॉल टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय वॉलीबॉल टीम के जो कोच नियुक्त किए गए हैं नए, उनका नाम है ड्रैगन मिहलोविक, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और जो ड्रैगन मिहलोविक हैं ये सर्बिया देश के हैं। और जो वॉलीबॉल होता है इसमें एक टीम में जो खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं टोटल 6, फुटबॉल में एक खिलाड़ी में होते हैं टोटल खिलाड़ी 12। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
हाल ही में डेयरी कंपनी अमूल ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में किस देश की टीम को स्पॉन्सरशिप करने की घोषणा की है? तो जो अमूल कंपनी है, जिसका आप सभी लोग दूध पीते होंगे, तो इसने घोषणा की है कि ये स्पॉन्सरशिप करेगी अफगानिस्तान देश की क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के खेल में। और वर्ल्ड कप जो खेल है ये खेला जाएगा इंग्लैंड और वेल्स में। तो आप ये देख पा रहे हैं जो अफगानिस्तान की जो टी शर्ट होगी क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो पहनेंगे उस पे लिखा होगा अमूल कंपनी का नाम, और अफगानिस्तान पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड में खेल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान को अमूल कंपनी स्पॉन्सरशिप करेगी। इसके अलावा एक नाम और आपको याद रखना, जो श्रीलंका की टीम है, तो श्रीलंका की टीम को क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो स्पॉन्सरशिप कर रही टीम कंपनी उसका नाम है केंट आरो, और केंट आरो भी भारत की कंपनी है। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना, श्रीलंका की क्रिकेट टीम को स्पॉन्सरशिप करेगा केंट आरो जो कि जल की कंपनी है, पानी प्यूरिफायर की कंपनी है, और अफगानिस्तान की टीम को स्पॉन्सरशिप करेगा अमूल कंपनी। अमूल कंपनी जो है इसका पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और इसके वर्तमान में जो CEO हैं उनका नाम है आर्य सोढ़ी, और इसका मुख्यालय आनंद शहर गुजरात में। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अमूल कंपनी के फाउंडर कौन हैं? तो अमूल कंपनी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश की वायुसेना ने शील्ड नामक लेजर सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो शील्ड नामक जो लेजर सिस्टम परीक्षण है इसको किया है अमेरिका देश की वायुसेना ने। ये आप देख पा रहे हैं फिगर, ये है शील्ड नामक लेजर वायु सिस्टम। अगर क्वेश्चन पूछा जाए शील्ड का पूरा नाम क्या है, तो शील्ड का पूरा नाम है सेल्फ प्रोटेक्टेड हाई एनर्जी लेजर डोमेस्ट्रेटर। और अमेरिका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की राजधानी Washington DC, और अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा द्वारा 24 घंटे दुकानें खुली रहने का अधिनियम पारित किया है? तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किस राज्य की विधानसभा ने ये कहा है कि अब उस राज्य की जो दुकानें हैं 24 आवर खुली रहेंगी। तो ये ऐसा कहा गुजरात राज्य की विधानसभा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, गुजरात से। दो क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए सेक्शन के लिए 10% का रिजर्वेशन है, तो इसको लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो है गुजरात। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए 10% आरक्षण इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो है गुजरात। इसके अलावा एक न्यूज और आपको गुजरात से याद रखना है, पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो बन रहा है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। एक क्वेश्चन और, गुजरात का जो शहर है बड़ोदरा में भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया है, यानी कि भारत की पहली जो रेल विश्वविद्यालय बना वो बना है गुजरात के बड़ोदरा शहर में। और एक क्वेश्चन और, एक बैंक है जिसका नाम है BOB बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में, और ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई है क्योंकि अब बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय हो गया है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है विजय रूपानी, और गुजरात के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है ओम प्रकाश कोहली। अब हम देख लेते हैं गुजरात राज्य के कुछ नेशनल पार्क जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, दूसरा वंशडा नेशनल पार्क, तीसरा ब्लैक बक नेशनल पार्क। तो ये तीन नेशनल पार्क आपको याद रखना है जो कि गुजरात राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में लारी तीनो कार्ति जी को किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं पनामा देश के, और जो पनामा देश है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, और ये हैं आपके कार्टिजो जो कि पनामा देश के राष्ट्रपति बने हैं। पनामा देश की राजधानी है पनामा सिटी। अब मैं आपको 4-5 देश बताता हूँ जिनकी राजधानियाँ उसी वहीं हैं जो कि उनके देश का नाम है। पहला पनामा देश की राजधानी है पनामा सिटी, दूसरा
डिजिबूटी देश की राजधानी डिजिबूटी सिटी, ग्वेटमाला देश की राजधानी ग्वेटमाला सिटी, कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, लग्जमबर्ग देश की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी, मेक्सिको देश की राजधानी मेक्सिको सिटी, मोनाको देश की राजधानी मोनाको सिटी, सैन मारिनो की राजधानी है सैन मारिनो सिटी, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, वेटिकन की राजधानी वेटिकन सिटी। तो ये वो देश हैं जिनकी वही राजधानी है जिन जो उनका नाम है, बस उनके आगे आपको सिटी वर्ड लगाना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए इलेक्शन गार्ड नामक प्लेटफार्म किस कंपनी ने बनाया है। तो इलेक्शन गार्ड जो नया प्लेटफार्म है, ये एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, और इसका पहली बार प्रयोग किया जाएगा 2020 के अमेरिका के इलेक्शन में। इसकी सहायता से आप ये जान पाएंगे कि आपका जो वोट पड़ा है या आपने जो वोट डाला है उसका सही प्रकार से काउंटिंग हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको याद रखना है, इलेक्शन गार्ड जो प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, और माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है अमेरिका की एक कंप्यूटर कंपनी है। इसके फाउंडर दो लोग हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन। पॉल एलन का 2018 में निधन हो गया था, और बिल गेट्स पूरी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और पहले जो पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो हैं अमेजन कंपनी के फाउंडर और CEO जेफ बेजोस। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो CEO हैं उनका नाम सत्या नडेला, जो कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका। तो इतने क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाते हैं। अब आज का क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में किस कंपनी ने अपनी स्वयं की ब्लॉकचेन आधारित सेवा का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि रोज़ की तरह आज भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो ये नोटिफिकेशन बेल है इसको ज़रूर प्रेस कर लीजिए, वरना आपको वीडियो सुबह 5 बजे नहीं मिल पाएगा। और हमारा जो डेली करंट अफेयर वीडियो है सुबह 5 बजे अपलोड हो जाता है, आप देख सकते हैं। और अप्रैल महीने का जो पार्ट 2 है आज 4 बजे शाम को आएगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आप PDF नहीं खरीदे हैं पिछले 6 महीने की, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और ख़रीदने के बाद अगर कोई समस्या आता है तो आप हमको इस मेल ID पे या फिर इस WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।